Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Life Science, and today I'm sharing some of my books which is related to my second semester of Master's in Botany. It's like ये सारी जो books हैं मैं अपने second semester of Master's in Botany में followed कर रही हूँ. ये मैंने कुछ professors से suggest किए हैं और कुछ मैंने graduation के time में ही भी अपनी books ली थी, तो वो some of my basic books थी जिसको मैं अभी अपने जो for कुछ foreign writers की book हमें हमारी professors suggest की उनके साथ मैं combine करके अभी मैं इन्हीं books को फॉलो कर रही हूँ. तो मैं वन बाय वन आपको सम ऑफ माय बेसिक बुक्स और कुछ जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट की फॉर फॉरेन राइटर्स की स्टडीज़ के लिए, जो कि आपको हेल्प करती हैं फॉर द नेट एग्जामिनेशन, बिकॉज वहाँ पे फॉरेन राइटर्स की बुक्स ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट ऑन कर दिए जाते हैं. तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो, और जब जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ बुक्स रीड करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं आपको कुछ बुक्स शेयर करती हूँ. ओके, तो ये जो मेरी सबसे पहले मैं आपको बेसिक बुक्स जो मैं बता रही हूँ जो मैंने ग्रेजुएशन में ली थी वो है साइटोलॉजी जेनेटिक्स इवोल्यूशन एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि पीके गुप्ता की पब्लिकेशन की. ये बहुत ही बेसिक बुक है. इस बुक्स को आप आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम फॉलो करते हैं तो देन इज ओके, बट आप मास्टर्स में आ गए हो तो फिर ये बुक्स जो हैं सिर्फ बेसिक्स के लिए होती हैं, बट फिर भी मैंने इनको फॉर बेसिक्स क्लियर करने के लिए अभी रखी हुई हैं. सेकेंड ऑफ माई बुक्स इज इन्वायरमेंटल एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें इन्वायरमेंट जो कि पी डी शर्मा की बुक है, एंड ये जो है ये भी बेसिक, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, और ये मैंने बुक्स टोटली आई थिंक मैंने पढ़ी हुई है. और ये बुक जो है लाइक बेसिक के लिए बहुत ही अच्छी है. और सेकंड जो मेरी बुक है वो है बेसिक बुक में सिंह पांडे जैन, जो कि प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बायोस्टैटिक्स के लिए. तो हमारे जो सेकंड सेमेस्टर में वो बायोस्टैटिक्स का भी एक यूनिट इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो मैंने ये कुछ बुक्स जो है बेसिक्स के रखी हैं. तो अभी मैं आती हूँ कुछ अच्छी बुक्स को लेकर, लाइक हमारे सेकंड सेमेस्टर में प्लांट ब्रीडिंग जो कि हमारा एक पूरा पेपर है प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोस्टैटिक्स. तो उसके लिए मैंने प्लांट ब्रीडिंग के हमारे प्रोफेसर ने हमें सजेस्ट की बी डी सिंह के ये बुक है, और आई थिंक मैंने अभी इसे बहुत ज़्यादा रीड तो नहीं किया है, बट आई थिंक मुझे अगर प्रोफेसर ने इसे सजेस्ट किया तो ये गुड होगी फॉर माई मास्टर्स. एंड वन ऑफ माई हाईली सजेस्टेड बुक दैट इज़ जेनेटिक्स इन गार्डनर बुक, विच इज़ फॉरन राइटर बुक, एंड हमारे प्रोफेसर ने इसे हाईली सजेस्ट किया फॉर साइटोलॉजी जेनेटिक्स के लिए. एंड मैं भी आपको रिफ़र करूँगी, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप गार्डनर की बुक भी फॉलो कर सकते हो. इज़ अ वेरी गुड बुक. मैंने इसको कुछ थोड़ा रीड भी की, इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अच्छी है. एंड उसके बाद मैंने जो है इकोलॉजी के लिए मैंने एक सेकेंड, मैंने जो बेसिक बुक आपके साथ दिखाई थी उसके साथ मैंने इकोलॉजी के लिए ई पी ओडम की एक और बुक ली है फॉर रीडिंग फ्रॉम माई लाइब्रेरी. एंड अभी इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कैसी ये होगी ये बुक. अभी मैंने इसको पूरे फुल रीड नहीं किया है, मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इसके लिए भी हमारे प्रोफेसर ने हमें सजेस्ट किया है. एंड उसके बाद ये एक बुक और जो मैंने ग्रेजुएशन टाइम में ली थी दैट इज़ बी पी पांडे एंजियोस्पर्म. इसमें काफ़ी सारी फैमिलीज बहुत अच्छे से लिया, एम्ब्रियोलॉजी भी काफ़ी अच्छे से दी हुई है. इसमें बेसिक भी क्लियर हो जाता है और ये मेसी स्टूडेंट के लिए आई थिंक इनफ है. अगर आप ये सारे जो पेपर्स होते हैं वो मोस्टली मिल जाते हैं आपको जो भी फैमिलीज आपके सिलेबस में इंक्लूड होती हैं. तो दीज आर ऑफ माई बुक्स दैट आई फॉलोड इन माई मास्टर्स. एंड ओके, if you like this video please subscribe to my channel and hit the bell icon for more update. Thank you so much.